नमस्कार, आज मैं कब से गा रहा हूँ पेज 52 में, और जिसमें चैप्टर संख्या 5 ही चल रहा हमारा लगातार। घर्षण के बारे में हमने कर लिया था, घर्षण के प्रकार कर लिए थे पिछली क्लास में हमने, कि घर्षण जो है वो सर्पीय घर्षण और लोटनीय घर्षण के बारे में किया था। अब हम बात कर रहे हैं आगे घर्षण को कम करने की विधियां। गति के लिए घर्षण जरूरी है, लेकिन घर्षण कम होना चाहिए। जितना घर्षण कम होगा गति उतनी आसान हो जाएगी। इसीलिए घर्षण को कम करने के तरीके होते हैं कि वस्तु में सर्पीय घर्षण के बजाय लोटनीय घर्षण को ले आए, क्योंकि लोटनीय घर्षण का मान सबसे कम होता है। इसीलिए किसी वस्तु को सामान्य खींचने से बेटर है कि उसमें टायर लगा दें तो उसकी गति आसान हो जाएगी। अब यूं कहें कि टायर लगी वस्तु की गति आसान होती है, कारण क्या है? तो कारण क्या है? घर्षण कारण है, क्योंकि टायर युक्त किसी भी वस्तु में लोटनी गति होती है और लोटनी गति में घर्षण कम होता है। अगर हमें उत्तर देना हो तो हमें इस लैंग्वेज में आंसर आपको लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर घर्षण को कम करने की विधियां। तो घर्षण होना भी होना चाहिए, जरूरी है घर्षण, लेकिन घर्षण का मान भी कम होना चाहिए। तो कम कैसे किया जा सकता है? डेली लाइफ में सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, उसी के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहली बात ले रहे हैं इसमें स्नेहक के द्वारा, स्नेहक लुब्रिकेंट्स कहते हैं इनको, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? चिकनाई युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको स्नेहक कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तेल हो, ग्रीस हो, या कोई और तरह से कोई भी पदार्थ यूज किए जाए, वो सब क्या कहलाते हैं? चिकनाई युक्त जो भी पदार्थ है उनको क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो चिकनाई युक्त पदार्थ स्नेहक कहलाते हैं। परिभाषा की बात करें तो यही चिकनाई युक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? स्नेहक कहलाते हैं। अब ये करते क्या है, ये क्या करते हैं? इनका जहां यूज किया जाता है वहां दो सतहों के, देखो घर्षण हमेशा दो सतहों के बीच में काम करते हैं, इसलिए दो सतहों के बीच में जब बल लगता है तो वहां घर्षण उत्पन्न होता है। अब उसके बीच में इन स्नेहक क्या करता है, स्नेहक जब यूज किया जाता है वहां कोई ऑयल डाला जाता है तो उसके बीच में एक अलग परत बना देता है, तीसरी परत। यानी अगर कोई सतह है तो यहां पर कोई वस्तु रखी गई है तो इनके बीच में और कुछ नहीं है, इनकी सतह डायरेक्ट टच हो रही है, डायरेक्ट टच हो रही है, और डायरेक्ट टच हो रही है तो घर्षण ज्यादा होगा। इसलिए घर्षण को कम करने के लिए क्या करें, इस सतह के बीच में एक नई सतह बना दें, और वो सतह किसकी होगी? चिकनाई युक्त पदार्थ की होगी, और वो क्या करेगी? इस घर्षण को कम कर देगी। तो इसके लिए घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाए, दूसरी बात इसके अंदर क्या की जाए कि इसमें स्नेहक का प्रयोग किया जाए। किसके मध्य? संपर्क सतहों के मध्य। इसमें क्या किया जाता है? संपर्क सतहों के मध्य, क्योंकि वहीं तो घर्षण लगता है, और वहां क्या यूज कर लें? संपर्क सतहों के मध्य चिकनाई युक्त पदार्थ का यूज कर लें, चिकनाई पदार्थ, या कहते हैं किसका? स्नेहक का यूज कर ले, स्नेहक का उपयोग करने पर घर्षण कम हो जाता है। अब कैसे कम होता है ये, इसके एग्जांपल्स देख लें। हम बाइक चलाते हैं तो बारिश के दिनों में ज्यादा समस्या आती है ये, कि थोड़े दिनों के बाद में उसमें आवाज आने लग जाती है, और फिर हम जाते हैं जाम सर्विस करवाते हैं, उस दुकान पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि इसमें आवाज आ रही है, और हम खुद ही उसको कह देते हैं कि ऑयल डाल दो इसके अंदर, और वो एक कीप रखता है, इतना बड़ा डिब्बा रखता है, लंबी सी नली होती है, पीछे से उसको दबाता है और चेन में क्या करता है? ऑयलिंग कर देता है, ऑयल डाल देता है। उसके बाद में जब हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसमें आवाज आनी बहुत कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वहां क्या किया गया है, वहां पर ये चेन की कड़ियां हैं इस तरह से, और इनके बीच में ऊपर वाला पार्ट ऐसे आता है, इस तरह से ये इस तरह से आगे गति करता है, नुकीला पार्ट रहता है, और ये पार्ट क्या करता है? इनसे टच करता है, रगड़ होती है तो आवाज आती है। फिर क्या होता है? इसके अंदर डाल दिया जाता है ऑयल, तो इनके बीच में एक नई परत बन गई। किसकी? ऑयल की परत बन गई। तो ऑयल की परत बढ़ने से जब ये रगड़ हो रही है तो बीच में आ गया ऑयल, इसीलिए वो रगड़ जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी, उसमें वो आवाज, दोनों धातु एक दूसरे को जब रगड़ होती है तो वो आवाज कर रहे थे, उस चिकनाई की वजह से वो आवाज अब आनी हो जाएगी बंद, और कुछ नहीं होने वाला।
आवाज बंद हो जाएगी बस। तो वहां क्या यूज किया गया है, स्नेहक यूज किया गया है। क्यों किया गया है, जो दोनों के बीच में लोहे के जो ऊपर के दांते हैं और नीचे का खांचा है, उनके बीच में जब वो आगे से आगे गति करते हुए जा रहे थे दांते, तो उनके बीच में क्या लग रहा था, घर्षण लग रहा था, रगड़ लग रही थी, वो रगड़ की आवाज आ रही थी। अब उस रगड़ के बीच में डाल दिया ऑयल, तो वहां पड़ गई नई परत, और वो नई परत जो बढ़ गई है वो उस आवाज को क्या कर देगी, कम, यानी डायरेक्ट टच होने की बजाय वो चिकनाई के साथ टच हो रहे हैं, चिकनाई के साथ टच हो रहे हैं, तो वहां घर्षण क्या हो गया, कम हो गई और आवाज हो गई कम। तो ये प्रोसेस उसमें किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, घरों में मशीन का यूज किया जाता है, नॉर्मली सब घरों में मशीन कपड़े सिलाई, छोटी मोटी सिलाई महिलाएं घर पे कर लेती हैं, तो उसमें एक तरफ उसका हैंडल होता है, उसको घुमाया जाता है, एक तरफ सुई रहती है जो बाहर अंदर बाहर होती है, तो थोड़े दिनों में वहां क्या आने लग जाती है, आवाज आने लग जाती है। इसलिए वो परमानेंट उस मशीन के अंदर एक टूल बॉक्स भी बनाया जाता है, जैसे बाइक में होता है वैसे वहां भी होता है, और उसके लिए एक की यूज की जाती है इतनी बड़ी, उसके अंदर वो ऑयल रखते हैं, उसको मशीन का तेल कहते हैं, वो परमानेंट हमेशा पास में रखते हैं वो महिलाएं, और वो क्या करती हैं, जैसे ही उसके अंदर आवाज ज्यादा आने लग जाती है तो वहां बारीक बारीक दांते बने रहते हैं, खांचे बने रहते हैं, उसके अंदर डाल देती है ऑयल। तो जहां वो सुई जा रही थी, वहां रगड़ कर रही थी, वहां भी ऑयल की क्या आ गई, एक बीच में परत आ गई, जिससे क्या हो गया, जिससे घर्षण का मान वहां कम हो गया। समय के साथ साथ ये ऑयल जो है वो अंदर बाहर के कपड़ों के लग लग के खत्म हो जाता है, तो वापिस सूखा हो जाता है, तो फिर आवाज आने लग जाती है। यहाँ पर भी ये इसीलिए मैंने बताया था कि ये बारिश के टाइम में ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि बारिश के टाइम में क्या होती है, यहाँ बारिश की बूंदे गिरती है, पानी गिरता है और ऑयल धुल के सारा नीचे निकल जाता है, ऑयल निकल गया, चैन होगी सूखी हो गई, तो अब घर्षण लग रहा है ज्यादा, तो आवाज भी क्या आ रही है, इसलिए उसमें क्या डाल दिया जाता है, स्नेह डाल। इस तरह से घर्षण क्या होता है, कम होता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका बात करते हैं बाल बियरिंग, बाल बियरिंग इसका वर्ड है, बाल बियरिंग कहते हैं इसको। बाल बियरिंग क्या होती है, अगर गति को सामान्य गति और लोडनिंग गति में बदल दिया जाए, किसके द्वारा, गति जो है वो छोटी छोटी गोलियों के द्वारा, धातु की गोलियां यूज की जाती है और उन गोलियों के ऊपर गति होती है अगर किसी सतह की, तो ऐसी गति जो है वो, ऐसी ये जो स्थिति बन रही है गोलियों वाली, इसी स्थिति को कहते हैं बाल बियरिंग, और इससे भी घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नॉर्मली साइकिल में बाइक के बीच में जो पार्ट होता है उसको शाफ्ट कहते हैं, धुरी कहते हैं हिंदी में, धुरी, उसके अंदर यही होता है, साइकिल में यही यूज किया जाता है, उसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी धातु की गोलियां रहती है, और यहाँ ग्रीस डाल दी जाती है, ग्रीस चिकनाई डाल दी जाती है साथ, घर्षण और भी कम हो जाता है, तो वो जो गति होती है वो इन गोलियों के ऊपर होती है, इसलिए वो गति क्या होती है, आसान होती है। तो बाल बियरिंग व्यवस्था है क्या, ये जो धातु की गोलियों व्यवस्थित करके किसी पदार्थ में और उसके अनुसार उसकी सतह के ऊपर गति करवाई जाए, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको कहते हैं बाल बियरिंग। बाल बियरिंग के द्वारा भी घर्षण क्या हो जाता है, सामान्य है घर्षण से कम हो जाता है घर्षण का मान, तो ये भी वाहनों में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है गति को आसान करने में। तीसरी बात आती है फिर किसके द्वारा, पॉलिश के द्वारा, पॉलिश के द्वारा भी क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। किसी भी वस्तु पर अगर पॉलिश कर दी जाए तो वहां पर घर्षण का मान कम हो जाता है, रगड़ कम हो जाती है, जैसे सामान्यतः बहुत इसके भी बहुत से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे लोहा जो खराब होता है उसको बचाने के लिए उसे पॉलिश कर दी जाती है, उसमें भी घर्षण का ही योगदान है कि जैसे ही लोहे पे पानी गिरेगा तो लोहे के जो अणु है वो पूरा क्या कर लेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे और वो पानी उसके अंदर चला जाएगा, धीरे धीरे जंग पकड़ लेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कर दी जाए खिड़कियों में दरवाजों में पॉलिश कर दी जाए तो वो लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि वो सतह के ऊपर की सतह क्या हो जाएगी, पॉलिश से चिकनी हो जाएगी तो उनके मध्य घर्षण कम लगेगा, इसीलिए जैसे जल की बूंद ऊपर गिरेगी वैसे गिरते ही वापिस नीचे आ जाएगी, उसके अंदर नहीं जाएगी, जल अंदर नहीं जाएगा तो वो खराब होने से बच जाएंगे। घरों में प्लास्टिक पेंट इसका एग्जाम्पल है, खिड़कियां जो पॉलिश है वो इसका एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल जो है वो किसके लिए, पॉलिश के लिए। तो वस्तुओं पर पॉलिश करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। इस पर भी सिंपल सी बात हुई है कि इस पर भी क्या बढ़ जाती है, चिकनाई आ जाती है खुरदरेपन से, जैसे घरों में
सीमेंट की वो किया गया, पुताई की गई है, उसके बाद में उसको पेंट करवाया जाता है। पेंट में भी अलग अलग तरीके के आते हैं, प्लास्टिक पेंट करवाया जाता है, तो प्लास्टिक पेंट में बिल्कुल भी जल नहीं रुकता है, तो अंदर जाता ही नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि वहां चिकनाई की परत आ गई, परत आने से क्या हो गया, जल की बूंदों में और दीवार में घर्षण कम हो गया, तो वो जल की बूंद रुकी नहीं, सीधी गिरते तुरंत नीचे स्लिप हो गए आगे और घर्षण कम हो गया। तो इस तरह से कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा घर्षण को आसानी से कम किया जा सकता है। तो इनको हम इजी वे में शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लें, ज्यादा कोई बड़ी डिटेल नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये इसमें काम आते हैं घर्षण को कम करने क्या विधियां हैं। स्नेह के तो उसका मतलब पता होना चाहिए, स्नेह होते क्या है, बाल बियरिंग क्या होते हैं, पॉलिश क्या होती है, एग्जाम्पल्स इनके सारे हम डेली रूटीन में खूब देखते हैं, वो सारे इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल होता है जहाँ घर्षण कम करके गति को आसान बनाया जा सकता है। थैंक यू, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।